असलम एवरी वन आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे भले चंगे होंगे और अपनी अपनी लाइफ इन्जॉय रहे होंगे वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वी लॉग बाय अनाया उमेर तो आज का वीलॉग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने कल का वी लॉग छोड़ा था लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम जो है एक रेस्टोरेंट पे गए हुए थे और जो है बारिश का डे इन्जॉय किया उसके बाद इवनिंग में ये नाइट टाइम डिनर यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जो बीफ है बीफ का कीमा लिया है ग्राउंडेड बीफ जिसको कहते हैं एटी इसमें जो लीन मीट है मतलब जिसको नॉर्मल जो गोश्त होता है उसको और ट्वेंटी इसमें जो है फ़ैट के एटी ट्वेंटी की ली है इस बर्गर पैटी को बनाने के लिए आपने भी यही करना है इसमें इन्ग्रीडियंट्स जो जाएंगे बहुत ही सिंपल इग्रीडियंट्स हैं अनियन uh, और जो हरी मिर्चें हैं दैट इज ऑप्शनल अगर आपका दिल चाहे तो आप ऐड कर लें चॉप करके एक uh, थ्री टू फोर्थ टेबल स्पून चॉप्ड अनियन विद वन और टू जो है चिली गार्लिक अगर नहीं चाहते आपको तो आप ये स्किप कर सकते हैं उसके अलावा इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर सीजनिंग में बस ये दो इग्रीडियंट्स चाहेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट दोनों का जो है अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से ले सकते हैं मैंने वन वन जो है टेब, वन टेबल स्पून सॉल्ट और वन टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर फ्रेश ब्लैक पेपर जो है क्रश करके वो ऐड की थी उसके अलावा गार्लिक भी ऑप्शनल है गार्लिक को मैंने बिल्कुल स्लाइटली क्रश किया था और एक टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक का डाला है ये तमाम चीज़ें आपने कीमे में डालनी है और उसको मैरिनेट होने के लिए टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स छोड़ दें मैरिनेशन नहीं भी करेंगे इसकी तो भी काम चल जाएगा इसके बाद यहाँ पर मैं इसका सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ सॉस प्रिपेयर करने के लिए एक कप जो है आपने मायोनीस लेनी है हाफ कप केचप लेना है स्वीट चिली सॉस लेना है वन फो कप इन तमाम चीज़ों को बस अच्छी तरह आपने एक बाउल में डालना है और मिक्स कर लेना है दैट्स इट यहाँ पे जो है हमारा हमारे बीफ बर्गर पैट जो है उनका सॉस प्रिपेयर हो जाएगा और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी थोड़ा सेल्फ़ कंट्रोल के बारे में अगर आप अपने नफ्स पे अपने आप पे सेल्फ़ कंट्रोल कर लेते हैं आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं कैसे सेल्फ़ कंट्रोल करके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से यह चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मार्च महीने उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था एक साइकेट्रिस्ट ने उधर कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था अच्छा आप यहाँ पे देख लें मैंने यहाँ पे ये यह जो है मोल्ड ले लिया है बर्गर पैटी बनाने के लिए अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसके बग़ैर भी बर्गर पैटीज़ बना सकते हैं मेरे पास था मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसमें मैंने जो है क्लीन फिल्म लगा के रखी है नीचे ऑयल लगाया था क्लीन फिल्म ताकि इसको डीमोल्ड करना आसान हो अपने जो है आपने एक अच्छे हैवी साइज़ का जो है कीमा लेना है उसको जो है आपने फिर इस तरह से मोल्ड में रखना है उसको पहले बॉल से बना लेनी है फिर मोल्ड में रखना है थोड़ा सा हाथ से प्रेस करना है फिर इसका जो ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर ये प्रेस करने के लिए साथ इसके इक्विपमेंट आता है इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस डाउन करना है और इस पर बहुत ही अच्छा सा पैटर्न आ जाएगा इस तरह से तमाम पैटीज आपने प्रिपेयर कर लेने हैं मैं तमाम प्रिपेयर कर लेती हूँ टॉपिक पे बात करते हैं जो मैं सेल्फ कंट्रोल पे बात कर रही हूँ और आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर कर रही हूँ कि कुछ बच्चों पर स्टैंडफर्ड यूनिवर्सिटी में नाइनटीन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट क्या था Uh, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने कुछ बच्चों का ग्रुप ऑफ पीपल लिया कुछ बच्चों का जो है एक ग्रुप लिया 20 से 25 बच्चे थे उस ग्रुप में उनके सामने रख दिया माश मेलो माश मेलो इज़ अ कैंडी यू नो बच्चों के बहुत ही फेवरेट जो है वो कैंडी होता है स्नैक होता है माश मेलोस रख दिए उन बच्चों के सामने और उन बच्चों को कहा गया कि आपने जो है हाफ़ एन आवर तक इन माश मेलोज़ को नहीं खाना हाफ़ एन आवर के बाद आप अगर खाएंगे तो आपको एज आ रिवॉर्ड आपको डबल क्वांटिटी मिलेगी ये जो माश मेलोज़ आपके पोर्शंस रखे हुए हैं जो बच्चे वेट करेंगे उनको डबल रिवॉर्ड मिलेगा और जो भी खा लेंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर मैं जो हूँ अनियन पर पे कर रही हूँ इनपे बर्गर्स में फिलिंग के लिए यूज़ करने के लिए अनियन प्रपेयर करने के लिए आपने दो से तीन मीडियम साइज़ की अनियन लेनी है उनको इस तरह से रिंग्स फॉर्म में काट लेना है बहुत ज़्यादा मोटे रिंग्स मट काट दीजिएगा स्लाइटली जो है हल्के थिन लेयर काटिएगा स्लाइस उसकी अनियन के रिंग्स की उसके बाद आपने एक पैन में क्या करना है बटर लेना है और इसमें हल्के से जो है आपने सोते कर लेने हैं इन अनियन को थोड़ा सा कवर करके लेड लगा के दो से तीन मिनट के लिए रख दीजिएगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए सोगी नहीं होने चाहिए थोड़े क्रंची और सॉफ्ट होने चाहिए उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो है आपने ब्लैक पेपर डालनी है वन फोर टी स्पून जो है आपने इसमें ब्लैक पेपर डालनी है वन फोर टी स्पून ही इसमें सॉल्ट डालना है और जब ये थोड़े से जो सॉफ्ट हो जाएंगे नरम हो जाएंगे स्लाइटली इनका जो है कलर वो चेंज हो जाएगा तो एंड में इसमें जो है मैं ब्राउन शुगर ऐड करूँगी मैंने क्या किया मैंने थोड़े अनियन ज़्यादा लिए थे क्योंकि हर किसी को कैरमलाइज्ड बीफ बर्गर पसंद नहीं होते मैं कैरामलाइज्ड बीफ बर्गर बना रही हूँ स्पेसिफ़िकली उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो इसमें से थोड़े से अनियन मैं निकाल लूँगी और बाकी में जो है मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी तो यहाँ पे हमारे कैरमलाइज्ड अनियन प्रिपेयर हो जाएंगे और अब इसके बाद जो है बर्गर को फ्राई करने की बारी आती है तो मैं आपसे बात कर रही थी एक एक्सपेरिमेंट की तो उसमें से कुछ बच्चों ने ये किया के जो है कुछ बच्चों ने उसमें से मार्श लेके फौरन खा लिए और कुछ ने वेट किया फॉर हाफ़ एन आवर के हमें जब हाफ़ एन आवर गुजर जाएगा तब हम इनको खाएंगे क्योंकि वो बंदा जिसने उस उनको ये टास्क दिया था वो ये कह के रूम से बाहर चला गया सो so, उनको फॉलो किया गया फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स उन्हीं बच्चों के जो ग्रुप था पूरा उनको ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए जो है उनकी पूरी हिस्ट्री और जो है चीज़ों को फॉलो किया गया तो ट्वेंटी फाइव ईयर के बाद जो रिसर्च में ये साबित हुआ कि जो बच्चे जिन्होंने फ़ॉरन से जो है माश खा लिए थे उनको जो है उन लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स पे जो है फेस करने पड़े और जो बच्चे जिन्होंने वेट किया थर्टी मिनट्स के बाद मार्श मैलोस खाए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस दे वर जज और मतलब डॉक्टर और जो सारे थे वो सक्सेसफुल लोग थे कोई इंजीनियर बन गया कोई जो है लाइफ की किसी और फील्ड में चला गया बट वर सक्सेसफुल पीपल तो इससे हमें पता क्या लगता है कि जिसने सेल्फ कंट्रोल कर लिया लफ्स पे कंट्रोल कर लिया हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने लफ्स को जो है काबू में रखो जिसने लफ्स को काबू में रख लिया उसने फ़लाह पा ली उसको जो है कामयाबी मिल जाएगी अच्छा हाँ बर्गर्स के साथ मैंने क्या किया एंड में जब इनको फ्राई कर रही थी मैं एक साइड से जो है ये कुक हो गए तो कुक साइड जो है फ्लिप करने से पहले साइड चेंज करने से पहले मैंने थोड़ी सी अगेन इस पर पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा इस पर ऐड किया स्प्रिंकल किया ऊपर से और एंड में जब दोनों तरफ से बर्गर पैटी हमारे अच्छी तरह कुक हो गए जो है गोश्त गल गया मतलब कीमा गल गया प्रॉपरली पैटी प्रिपेयर हो गए उसके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइस रख के उसको जो है साइड पर रख लिया आपने ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है कि आपके जो बर्गर पैटीज़ हैं वो ठंडे ना हो जाए उसके बाद जो गैवंस लिए थे उनको स्लाइटली मैंने जो है तवे पे रख के हल्का सा बटर लगा के उनको जो है थोड़ा सा जो है वो सीखिए बिल्कुल हल्का हल्का आपने सेकना है इसको ज़्यादा नहीं सेकना कि ये ब्राउन हो जाए और जल जाए उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सॉस प्रिपेयर किया था वो सॉस इसके ऊपर लगाऊंगी आप अपनी मर्जी के हिसाब से सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको भरपूर किस्म का बर्गर पैटी का बर्गर खाना है कैरमल बीफ बर्गर तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है सॉस को लगाएं उसके ऊपर बर्गर पैटी रखें और अनियन हेलेपिनोस और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है कोकम बट इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं बट मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल जो है बर्गर पैटी रखा है और अनियन जो प्रिपेयर की थी वो रखा है नो लेटस नो वेजिटेबल्स एट ऑल क्योंकि बच्चों के लिए भी बन रहे थे बच्चों को हेलेपी उतनी पसंद नहीं आती तो हेलेपी मैंने अपने लिए और उमैद के लिए ऐड की थी बच्चों के लिए जो है प्लेन रखे थे यहाँ पे हमारे ये यमिज स्क्रमी किस्म के बर्गर पैटी प्रिपेयर प्रेट हैं और साथ में यहाँ पे मैंने लोडेड फ्राइज बनाई थी जिसकी रेसिपी आई थिंक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ

जिसका बिल्कुल मूड नहीं था स्कूल की वेकेशंस फिनिश हो बट फाइनली दे आर ओवर गुड लक फॉर द स्कूल नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ईयर स्टडी वेल और नहींता भी गुड लक सो so, हम बात कर रहे थे सेल्फ कंट्रोल पे तो आपका सेल्फ कंट्रोल आपका नफ्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके सामने एक चीज़ पड़ी हुई आपको पता है कि ये आपने अभी नहीं करनी तो आपने उसको टच नहीं करना आपकी बेशक वो एक्सेस में भी है लाइक uh, like, uh, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह उठने के बाद मेरी भरपूर कोशिश होती है और इसको मैंने विद टाइम हैबिट बना लिया है शुरू में मुझे भी इशू होता था ये चीज़ करते हुए अब प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैं जो वो अपना मोबाइल सुबह उठ के चाहूँ भी तो मैं नहीं उठाती क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक दफ़ा मोबाइल उठा लूँगी और मैंने मोबाइल सुबह सुबह यूज़ करना शुरू कर दिया तो मेरा जो हाफ एन आवर और वन आवर है वो वेस्ट हो जाएगा सो सुबह मैं उठते ही सबसे पहले अपने काम फिनिश करती हूँ देन आई यूज़ टू गो एंड चेक माई मोबाइल हाँ अगर किसी को उस वक्त कोई एमरजेंसी है या किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो देआर आर मेरा लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है मोबाइल को मैं अपने साइलेंट पर रखती हूँ अपने घर के काम फ़िनिश करके उसके बाद मोबाइल को टच करती हूँ बच्चे चले गए थे स्कूल यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट डे के क्लिप हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिस दिन बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो बच्चे चले गए थे स्कूल मैंने अपने लिए जो है चिकन की जो है बोटी प्रिपेयर करके रखनी थी उसको मसाला लगा के रखना था मसाला मैंने सिंपल लिया है यहाँ पर योगर्ट लिया था हाफ कप उसमें जो है मैंने तंदूरी मसाला हाफ पैकेट जो शान के मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ऐड किए क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो मेरी रूटीन होने सेट होने में भी टाइम लगना था और बच्चों के आने से पहले पहले मुझे ये तमाम के तमाम काम निपटाने थे आ, उसके अलावा तंदूरी मसाले के अलावा यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है आ, वन फोर्थ कप के करीब जो है सोया सॉस ली है वन फोर्थ कप के करीब ही चिली सॉस ली है इन तमाम चीज़ों का और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है यहाँ पे दो टेबल स्पून भर के दो किलो ये चिकन बोटी थी जिसको मैं मैरिनेट कर रही थी बस इसको मैरिनेट करके लगा के मैं जो है फ्रिज में रख दूँगी ओवर के लिए और जब मुझे जरूरत होगी क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई डाइट अ न्यू बिगनिंग इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इनशाला आपसे बात करूँगी अभी जो है और जो शामी कबाब मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर किए थे उनको फ्रिज से निकाल लिया है और मैं इनको इस तरह से जिप लॉक्स में रह, डाल के और रख दूँगी बच्चों को कोशिश किया करें हेल्दी लंच के ऑप्शन दें और घर से बना हुआ फ्रेश डेली का डेली लंच दें कैंटीन से कभी कभी अलाउ करें जैसे मैं बच्चों को वंस आ वीक अलाउ करती हूँ कि तुमने जो भी पैसे दे देती हूँ कैंटीन से खाना है खा लो अदरवाइज़ आई वॉन्ट डेम टू हैव द हेल्दी फूड फ्राम होम इसके बाद यहाँ पे ही मैं आपसे जो है अपने लेमन की सिग्नेचर लेमन है जो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी रेसिपी है मुझसे काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे आप जो लेमन बच्चों के लिए प्रपेयर करती हैं हमसे उसकी रेसिपी शेयर कर दें सो so, ये रेसिपी स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जो मुझसे इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ पर मैंने एक से दो कप पानी लिया है चूल्हे पर जो है पानी रख दिया और उसमें जो है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पर आपने जो है चीनी ऐड करनी है मैंने एक दो कप पानी लिया है दो कप ही डेढ़ कप कप के करीब इसमें चीनी डाली है और एक से दो जो है टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ब्लैक काला नमक जो है सॉल्ट का वो ऐड करूँगी जैसे ही शुगर मेल्ट हो शुगर मेल्ट होगी शुगर डिजॉल्व हो जाएगी स्टोव ऑफ करके मैंने इसमें काला नमक ऐड किया काला नमक ऐड करने के बाद लेमन जूस डालूंगी लेमन जूस जो है मेरे पास इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में हर वक्त फ्रीज़र में अवेलेबल होता है यूज़ करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कि समटाइम्स ये होता है ना कि आप भूल जाओ ग्रॉसरी में आना लेमन या फिर आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है तो गर्मी के सीज़न में ये मेरी रूटीन है कि जो है लेमन का जूस जो है मेरे फ्रीज़र में हर वक्त फ्रीज हुआ हुआ होता है उसके बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है और दैट्स इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी बॉटल्स में फिल करके जो है मैं फ्रिज में रख दूंगी बच्चे स्कूल से आएंगे तो आई विल सर्व दैम बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए इस तरह के ड्रिंक्स जरूर बच्चों को दिया करें इसके बाद जो है भाई घर की क्लीनिंग रूटीन शुरू हो जाती है क्लीनिंग में डस्टिंग होती है फ्लोर क्लीनिंग होती है बेड मेक जो बेड्स जो हैं वो तो मैं किचन में आने से पहले ही बना देती हूँ मैं एक डिटेल वीडियो इस पर आने वाले दिनों में इंशाल बनाऊँगी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या होती है स्टेट यून मा चैनल और जो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं मस्ट भी नोइंग कि मेरी बेसिक्स ही जो है रूटीन किड्स आफ्टर गोइंग स्कूल क्या होती है जो आने वाली वीडियोस में आप इनशाला देखेंगे uh, यहीं पे इसके बाद जो है काम शाम करने के बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ रेडी होती हूँ और मैं जा रही हूँ फिर बच्चों को पिक करने स्टेट यू विद मी uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें मैं मिलूँगी इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और गप के साथ कुछ और चीज़ों के साथ कुछ और जो है ऐसी चीज़ें जिनको आप देख के कुछ ना कुछ लर्न कर सकें जो कि मेरा मकसद है इस चैनल को बनाने का इस चैनल पे काम करने का नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। बेटा नहीं के के साथ के साथ तो बोर। मैं? बच्चों निभाने जाता